दोस्तों मेरा नाम है राम वर्मा और स्वागत है आपका सीजी एजुकेशन न्यूज यूट्यूब चैनल पर। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिए, क्योंकि यहां पर आपको इसी तरह की लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो कि शिक्षा से जुड़ी हुई है, छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई है, वो लगातार आपको इसी चैनल पर मिलती रहे। इस वीडियो में आपको यहाँ पर दुर्ग यूनिवर्सिटी से बहुत ही इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन है आपके लिए, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, आपको यहाँ पर बहुत ही अहम जानकारी मिलेगी। और ऐसी जानकारी आप लोगों को नहीं है तो फिर आपके लिए नुकसान हो सकता है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ क्या यहाँ पर नोटिफिकेशन आया है। तो ये जो नोटिफिकेशन है पीएचडी वालों के लिए है, जिनके पीएचडी में सब्जेक्ट हिंदी, राजनीति विज्ञान और वाणिज्य है, तीन सब्जेक्ट, ठीक है। तो ऐसे सभी पीएचडी कोर्स वर्क की परीक्षा से छूट प्राप्त है जो कि 2021 में एडमिटेड लिए है, उनको पीएचडी कोर्स वर्क की परीक्षा से छूट प्राप्त है। और ऐसे जिन्होंने कोर्स वर्क की परीक्षा पास की है और जिनको आरडीसी द्वारा उनके सिनॉप्सिस यानी कि शोध रूपरेखा को मान्य किया गया है, तो दोनों जिनको छूट प्राप्त है वो भी, और जिन्होंने पीएचडी कोर्स वर्क की परीक्षा दी है वो लोग भी। और तीसरे प्रकार के यहाँ पर पीएचडी वाले शोधार्थी जो किसी कॉलेज या कोई भी सरकारी संस्थानों में कार्यरत है, पदस्थ है वहाँ पर, और उनके द्वारा पीएचडी शोध कार्य किए जाने के लिए उस कॉलेज या फिर उस संस्था द्वारा एनओसी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करके पीएचडी में एडमिशन ले लिया है, लेकिन जो नियमतः शासन मान्य संस्थान से अनुमति प्रमाण पत्र प्राप्त करके विश्वविद्यालय में जमा नहीं किया है, एनओसी तो जमा किया है लेकिन अनुमति प्रमाण पत्र जमा नहीं किया गया है, उनको यहाँ पर अनुमति प्रमाण पत्र भी जमा करने, आगे देखिए क्या करना है इन तीन प्रकार के जो पीएचडी वाले हैं उनको। तो इसी में जो नोटिफिकेशन में बता रहे उसमें वो सारे फॉर्म अटैच किए गए हैं, मैं आगे आपको बताऊंगा। तो वो फॉर्म को भरकर स्वप्रमाणित घोषणा पत्र के साथ एनओसी प्रमाण पत्र एवं शोध केंद्र विभागीय समिति डीआरसी द्वारा अध्ययन की अनुमति दिए जाने के संबंध में जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र एनओसी पीएचडी सेल में जमा कर अपना पीएचडी आरडीसी पंजीयन प्रमाण पत्र दिनांक 3 नवंबर से लेकर 10 नवंबर तक दोपहर के 12 से 5 बजे तक प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, समझ में आया। उसके बाद यहाँ पर पंजीयन पत्र प्राप्त करने के पश्चात शोधार्थी संलग्न 6 माही प्रगति प्रतिवेदन प्रारूप अनुसार 6 माही प्रगति प्रतिवेदन रिपोर्ट 18 नवंबर तक अनिवार्य रूप से जमा करना है, यानी कि आपके पीएचडी कोर्स वर्क की जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है वो आपको 18 नवंबर तक जमा करना है। पहले यहाँ पर आपका पंजीयन प्राप्त कर लेना है, पंजीयन प्रमाण पत्र, ठीक है। उसके बाद देखिए मैं वो फॉर्म्स आपको बता देता हूँ, तो कौन कौन से फॉर्म है, ये वो फॉर्म है पीएचडी शोधार्थी हेतु स्वप्रमाणित घोषणा पत्र, इसमें आप लोग लिखेंगे मैं, आपका नाम, ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में भर लेनी है। तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इसको आप लोग प्रिंट करके अलग से निकाल लीजिए, ठीक है, और यहाँ पर सारी जानकारी भर लीजिए। और देखिए और एनओसी के बारे में भी है, एनओसी प्रमाण पत्र भी यहीं पर अटैच है, तो इसको आप लोग प्रिंट करके निकाल लीजिए। उसके बाद 6 मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट प्रेजेंटेशन, तो यहाँ पर ये चीज़ है, तो इसको आप लोग पूरा भर लीजिए डिटेल में, ठीक है। और उसके बाद जो 6 मंथली ये 6 माही प्रोग्रेस रिपोर्ट के संबंध में रिपोर्ट की जानकारी के लिए, इसको भी ये फॉर्म भी आपको भरना है। देखिए इस प्रकार से सारे फॉर्म आपको भरना है, और ठीक है सारे फॉर्म इसी में अटैच है, आप लोग इसको भरिए और इसको जमा कीजिए। और आपको जो 6 मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट होता है उसका एक पीपीटी प्रेजेंटेशन आपको बनाना होता है, तो पीपीटी प्रेजेंटेशन तैयार कर लीजिए। तो यही नोटिफिकेशन था पीएचडी को लेकर हिंदी, राजनीति विज्ञान और वाणिज्य वालों के लिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, और ऐसे लेटेस्ट अपडेट रेगुलर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाइए। मिलते हैं एक नए नोटिफिकेशन के साथ एक नए वीडियो में।